अभी हम खड़े हैं पटना के अशोक राजपथ पर। मेरे लेफ्ट साइड में खुदा बख्श लाइब्रेरी और सामने गांधी मैदान की तरफ जाने वाला रोड, और ये रोड है खजांची रोड। ये लैंडमार्क के हिसाब से दिखा रहे हैं आपको। आज हम आपको ले चलेंगे, दो माताओं का दर्शन एक साथ कराते हैं। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है तो थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक है। ये अशोक राजपथ है। आप सीधे बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं तो पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज होते हुए आप सिटी गायघाट तक जा सकते हैं, मारुगंज तक। ये स्ट्रेट रास्ता चला जाता है। मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है पटना में, तो थोड़ा सा दिक्कत है रास्ते में। ये सामने रोड चला जाएगा उस तरफ। अब हम चलते हैं काली घाट की ओर। ये रास्ता यहाँ से आपको काली घाट की तरफ जाता है। यहाँ दीवारों पे बनाया हुआ मधुबन पेंटिंग का काम। मोबाइल थोड़ा स्लिप कर रहा है, एक बार मोबाइल ठीक से पकड़ लेते हैं। ये पूरे दीवार पे यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग का काम किया हुआ है। और सामने ये रास्ता जाता है आपको कालीघाट दरभंगा हाउस। आज हम आपको वहीं ले कर चलते हैं, माता का दर्शन कराते हैं। ये सामने दरभंगा हाउस है, इस तरफ PMCH, सामने दरभंगा हाउस है। सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा है। पहले यही रास्ता हुआ करता था, अभी ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पे चारों तरफ दुकानें हुआ करती थी, अभी बंद कर दिया गया। दरभंगा हाउस, यहाँ से डायरेक्ट आप मंदिर को दर्शन करके घाट पे जाते थे, लेकिन अभी ये बंद कर दिया है। कुछ लोग आ रहे हैं जिसके पास चाबी है शायद। ये पूरा दरभंगा हाउस परिसर है। सामने आपको काली घाट है। यहाँ से ब्लॉक कर दिया है तो दूसरे रास्ते से चलेंगे। गेट बंद कर दिया है, सब उठा के पीछे कर दिया गया है। तो ये रास्ता जाएगा आपको, सामने आपको हार्ट हॉस्पिटल है। हम ये बंसी घाट की तरफ से निकलेंगे अभी। सामने वो आपका हार्ट हॉस्पिटल है, हमको इस तरफ घूमना है। ये बिल्कुल सीधा रास्ता घाट पे चला जाता है। टू व्हीलर है तो आप घाट के किनारे बिल्कुल जा सकते हैं। ये हम पूरा टू व्हीलर लेके चलेंगे घाट पे ही पूरा। यहाँ से अगर हम एक हाथ से गाड़ी चलाएं तो गाड़ी मेरी गिर जाएगी। गाड़ी लगा के हम आते हैं। गाड़ी लगा दी हमने, अब यहाँ से पैदल चल के बनाते हैं वीडियो। ये है आपका बंसी घाट, और ये सामने रास्ता चला जाता है। पूरा पथवे बनाए हुए हैं पटना में, बहुत अच्छा भी बना दिया है। गंगा जी के किनारे किनारे चारों तरफ आपको रोड बना दिया गया है, वॉक करने के लिए लोग आते हैं, घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं। सामने हमने अपना वहाँ टू व्हीलर लगा दिया अपना। सामने यहाँ दुकान वगैरह है, पूजा पाठ का सामान यहाँ से ले सकते हैं। और ये है गंगा मैया। बहुत खूबसूरत यहाँ बना हुआ है घाट। छठ पूजा में बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। सबसे पटना में खूबसूरत बड़ा घाट यही है। अभी पानी बहुत कम है, इस बार पानी बहुत कम हुआ है बिहार में। नहीं तो पानी आपको जहाँ भी हम चल रहे हैं यहाँ तक पानी होता है। यहाँ का ये ऊपर तक, ये सामने दिख रहा है, यहाँ ये रेलिंग ऊपर तक पानी होता है, जो मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। पानी यहाँ तक चलाते हैं लोग, यहाँ नहाते हैं। इस बार बारिश हुई नहीं है बहुत अच्छा, इसलिए पानी पूरा सूखा हुआ है। ये सामने काली घाट मंदिर में जाने का रास्ता। तो अभी हम चलते हैं, माता का दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं।
जनरली शनिवार को बहुत यहाँ भीड़ होता है, लेकिन आज हम शुक्रवार को आए हैं तो भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये आपको मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, अंदर हमारी माँ है। दरवाजे पे माथा टेक के हम भी अंदर बढ़ेंगे। ये इसमें खुलने का टाइम टेबल यहाँ दिया हुआ है जो आप पुश करके पढ़ सकते हैं। लक हमारा अच्छा कि पूरा खाली परिसर है और अंदर हम वीडियो बना सकते हैं, कोई है नहीं। बिल्कुल सामने काली माँ का है मूर्ति। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। कैमरा जूम करके माँ का दर्शन कराते हैं। जय माँ काली, सब कोई दर्शन कर लीजिए माँ का। ये पूरा हॉल अंदर का है, पूरा खाली है अभी मंदिर। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पूछ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ चुनरी नहीं चढ़ाए जाते हैं। दर्शन कर लिए, अब हम बाहर चलते हैं और आपको एक माँ का दर्शन हो गया। ये पूरा दरभंगा हाउस है, बहुत खूबसूरत बना हुआ, बहुत पुरानी है। सामने गंगा मैया, आप यहाँ दर्शन करके मैया का भी दर्शन कर सकते हैं या नहा के आप आके दर्शन कर सकते हैं। जो भी आते हैं यहाँ पे दोनों दर्शन हो जाता है एक साथ। माँ काली का भी दर्शन कर लीजिए और गंगा माँ का भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे फूल पूजा का सामान सब मिलता है। शनिवार को खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ। और ये आपका गंगा एक्सप्रेस वे जो पीएमसी तक तो चालू कर दिया गया है मरीन ड्राइव से, और ये अभी चालू हुआ नहीं है पूरा ब्रिज। जब ये चालू हो जाएगा तो सीधे आप चले जाएंगे आगे तक, आराम से यहाँ आए, नहाए धोवा के माँ का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें माँ का। अब हम आपको आगे तक भी थोड़ा सा दिखाते हैं, बस जो भी इन्फॉर्मेशन देना था जितना जानता था वो दिखा दिए आपको। अब ये घाट थोड़ा सा आप आगे तक देख लीजिए, बहुत बड़ा घाट है ये, सबसे खूबसूरत घाट भी यही है। हम आपको आगे तक लेके चलते हैं। अब ऐसा रोड इसको बना दिया गया है, घाट को सारे घाट को एक साथ मिला दिया गया है कि मान लीजिए आप एक घाट पे आइए, सब एंजॉय कीजिए वीडियो।